हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो हमें मिल चुका है घर। क्या बोलना, फाइनली क्या बोला भाई, हम लोग मैनीटोबा में फाइनली शिफ्ट हो। हाउस ये घर से दिखता है, हमारे व्यू रिवर का व्यू दिखता है और बहुत सारी ग्रीनरी है। सो इट इज़ ब्यूटिफुल हेयर। सो नाउ लेट्स गो फॉर शॉपिंग। ये पीछे हमारे ये रिवर है। सो पीपल आर एंजॉइंग हेयर। वीकेंड है, लॉन्ग वीकेंड, सो लोग एंजॉय करने आ रहे हैं। वेदर इज़ ब्यूटिफुल टुडे एज यूजुअल। हर वीकेंड सुंदर ही रहता है वेदर तो वैसे। सो हियर वी गो, हम चल पड़े हैं। गाड़ी यहीं पार्क करेगा तू अब से? सो गाइज हम अब चल पड़े हैं। सीट बेल्ट लगा ली है मैंने। हाँ, क्या बता रहा था तू? सीट बेल्ट का चलान यहाँ पे $250 का है, $250। माय गॉश। और ये उस बंदे का होता है जिसने सीट बेल्ट नहीं लगाई है। मतलब ड्राइवर से कोई मतलब नहीं। इंडिया में क्या होता है, ड्राइवर का चलान होता है तो लोग अपना चिल करते हैं। यहाँ पे चलान होगा जिसने सीट बेल्ट नहीं लगाई है, तो इसका चलान होता है। यहाँ पे बहुत लोगों के साथ स्टूडेंट्स नए नए आते हैं, ऊबर लेके एयरपोर्ट से निकल जाते हैं, सोचते हैं क्या ही कौन देख रहा है, और बेल्ट वेल्ट नहीं लगाते हैं। तो रास्ते में कॉप्स वगैरह रोक के बढ़िया चलान दे देते हैं उनको। तो ये चीज़ ध्यान रखना, कनाडा में ऑलवेज सीट बेल्ट हो। और आगे हमका व्यू दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, बहुत सुंदर लग रहा है। आई थिंक सारे येलो हो गए लीव्स, येलो ऑरेंज। हॉल के शानदार नज़ारे देखते हुए हम जा रहे हैं सेल्कर्क, जहाँ से हमें लेनी है ग्रॉसरीज। सो गाइस, बिकॉज वेदर चेंज हो रहा है, ऑटम आ गए तो येलो लीव्स हो गई हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। इस वजह से पूरा व्यू। एक मस्त चीज जो मुझे मैनीटोबा की लगती है वो ये है कि बोलते हैं कनाडा में सबसे मुश्किल जो जगह है इन्वेड करना वो मैनीटोबा है, क्योंकि सिर्फ एक रीजन है, वो मस्कैग। मस्कैग मतलब होता है कि यहाँ पे ग्राउंड जो है, जमीन जो है वो इतनी वेट है कि जो भी आर्मी इन्वेड करने की कोशिश करेगी मैनीटोबा को, उनके टैंक्स वगैरह सारे आर्टिलरी वगैरह धंस जाएगी ज़मीन में, उसको क्रॉस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर मान लो तुमने जो रोड्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया किसी वॉर में, फाइट में, बैटल में, तो इन्वेजन बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज़ मैनीटोबा की बहुत एक यूनिक है। बोलते हैं, मतलब एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि मैनीटोबा सबसे मुश्किल है इन्वेड करना। और बाकी ठंड तो भाई साहब, तो सीन क्या है कि ठंड बाकी जगह भी टेम्परेचर इतना ही होता है। जो परारीज है, जैसे 3 परारी प्रोविंसेस बोलते हैं, अल्बर्टा, सस्केचुआन या फिर मैनीटोबा। लेकिन डिफरेंस ये है कि मैनीटोबा के जो विंटर्स हैं वो ड्राई विंटर्स नहीं है, वेट विंटर्स हैं। तो तुम्हारा जो ह्यूमिडिटी लेवल है ऑलमोस्ट 90% तक पहुंच जाता है, तो उसकी वजह से इतना डिफरेंस हो जाता है, ठंड इतनी ज़्यादा लगती है। -50 तक यहाँ पे पहुँच रहे हैं। अब जैसे तुम एडमिंटन, कैलगरी वाले अगर बोलना बंद नहीं कर रहा है बंदा मेरा। आज इस तरीके से मैंने फोन पकड़ा हुआ है। एक लास्ट चीज़ जैसे अब जो लोग कैलगरी एडमिंटन में रह रहे हैं, वहाँ पे भी टेम्परेचर लगभग इतना पहुंच जाता है, फील्स लाइक -45 तक, लेकिन वो ड्राई है तो इसलिए ठंड वहाँ पे इतनी ज्यादा नहीं लगती है। यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा लगती है। नेक्स्ट फैक्ट थोड़ी देर बाद। अच्छा, आज काफी दिनों के बाद गाइज हमने घर का खाना खाया, दैट इज खिचड़ी। तो होटल का खाना खा के माय गॉड, बर्गर, पिज्जे और पुदीन और ये सब खा रहे थे। वैसे शुरू में नए आए तो बड़ा अच्छा लगता था, बट अब खाने में भाई साहब इतना वियर्ड लगता है ना वो सब। वियर्ड तो नहीं, बट वो रिपीट होते रहता है ना टेस्ट। हैव रीच्ड सेल्कर्क। आधा घंटा है यहाँ से विनिपेग भी, सोचो इतनी दूर रहते हैं हम लोग, पता नहीं क्यों। कैरेक्टर है ये, नो फ्रिल्स लेके आ गया। पहले नो फ्रिल्स से थोड़ा सामान लेंगे, फिर वहाँ जाएंगे। मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ जाकर फिर। अब वी ऑलवेज शॉप ऑन अ बजट, तो अलग अलग चीजें अलग अलग स्टोर से लेने में चीजें सस्ती मिलती हैं। $1 चाहिए था। पकड़ना फिर $1 डाल के कार निकालनी पड़ती है। जब मैं स्टूडेंट था तो हम अक्सर छोटी कार्ट्स में ही शॉप करते थे क्योंकि सामान बहुत कम खरीदना होता था। बट अब फैमिली लाइफ में यू हैव टू शॉप अ लॉट, यू हैव टू स्पेंड अ लॉट एंड यू हैव टू बाय अ लॉट ऑफ आइटम्स, तो बड़ी कार्ट बहुत ज़रूरी हो जाती है, स्पेशली इन आवर केस राइट नाउ, क्योंकि हम लोग 15 से 20 दिन की शॉपिंग एक साथ ही करते हैं। दूध यहाँ से ले लेना, छोटे वाले ले रहा हूँ जिसमें डंडी ज़्यादा बड़ी ना हो, काटने में बड़ी परेशानी ना हो। क्या हो गया समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वाली लगती है, ये वाली बता ब्रो, ये वाला तू बता कौन सी सही लग रही है तेरे को, उसमें ज्यादा वेस्टेज है, ये वाला ले ले। देखो मैं टोफू कैसे खरीदता हूँ, पहले तो रेट देखा भाई, $3.5 का टोफू है, ठीक है। अब पर 85 ग्राम्स इट गिव्स यू प्रोटीन ऑफ 9 ग्राम। अब दूसरा देखते हैं, सी 279 का है ये, इसमें 85 ग्राम में आपको प्रोटीन मिलता है 7 ग्राम, तो डिफरेंस है प्रोटीन में, बहुत डिफरेंस है, और रेट में तो है ही। मनीषा कैसा लगा शॉपिंग करके आज? अभी तो आधा सामान लिया, कितना का बिल बना? 150 का। How much is $150 in terms of rupees? If you don't mind sharing. You can do that calculation. Manisha's math is weak, I guess. एक मस्त चीज दिमाग में आई, कनाडा में तुम गाड़ी पे खर्चा करते हो, सिर्फ मान लो तुमने गाड़ी खरीद ली या EMI पे बनवा ली, तुम मंथली एक पेमेंट दे रहे हो, राइट? मान लो तुम $500 दे रहे हो। ऑन टॉप ऑफ दैट लोगों को, मैक्सिमम लोगों को पता ही होता है कि यहाँ पे इंश्योरेंस बड़ा एक्सपेंसिव होता है, तो लोग 300-400 इंश्योरेंस के भी देते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन अक्टूबर नवम्बर आते ही फिर आप लगाते हो विंटर टायर गाड़ी में, विंटर टायर लगाए, उस पर आपने फिर एक खर्चा किया, विंटर टायर अराउंड $1000 $1100 के आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको अपनी गाड़ी के लिए ब्लॉक हीटर भी खरीदना पड़ता है। ब्लॉक हीटर मीन्स कि आपको इंजन गर्म करने के लिए ऐसे ऊपर एक ऐसी शीट टाइप आती है, वो और लगानी पड़ती है। तो ऑल इन ऑल कितना एक्सपेंसिव हो जाती है गाड़ी। गाड़ी सस्ती है ऑल दो, लेकिन ये सब चीजें करके बड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। व्हाट इज दिस स्केलेटन? स्केलेटन क्यों था घर के आगे? हेलो। ओह, और ये लोग ये पोस्टर कौन से लगाए हैं? आई हैव नो आइडिया डूड। लीजन क्या है? लीजन मतलब इट्स लाइक अ ऑर्गेनाइजेशन इन कनाडा जो सोसाइटी में काम करती है। दे ट्रीट देमसेल्व्स लाइक सोल्जर्स ऑफ कनाडा बट दे आर नॉट एक्चुअली सोल्जर्स, एंड एक दूसरे को वो लोग रिवॉर्ड करते हैं। दे स्टे टुगेदर एज लाइक अ ऑर्गेनाइजेशन, ये सब। अच्छा, टिम हॉर्टन्स आ गया भाई, टिम हॉर्टन्स। ब्रो सारे दिन ऐसे, गॉड इतनी धूप है इधर, सारे दिन डूड ऐसे निकलेंगे हमारे। आज पूरा दिन लिटरली शॉपिंग में निकल गया, वही ग्रोसरी वाली शॉपिंग। अरे एक महीने में एक बार तो करनी ही पड़ेगी यार, इतनी दूर वहां से, तो इतना एक्सपेंसिव होगा सब सीरियसली। थकान लग गई मुझे तो, कल शिफ्ट किया। अपने पास गाड़ी है तो गाड़ी का फायदा उठाओ, इंडियन ग्रोसरी खरीदो अपनी। दही का यार पता नहीं कैसे करेंगे, दही वॉलमार्ट में तो मिल जाएगी दही, वो वाली दही नहीं मिलेगी जो हम ढूंढ रहे हैं। तो वॉलमार्ट में तो मिली थी, एडमिंटन में भी कहाँ मिली थी वो वाली दही? वो वाली हमने इंडियन स्टोर से खरीदी थी, वो वाली दही। अच्छा यहाँ पे वैसी दही खरीदनी पड़ेगी प्रॉपर। ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी डूड। फिर विनिपेग उस दिन गए थे तो लेके आ सकते थे दही हम लोग ना। करेंगे कुछ ना कुछ जुगाड़। चल हम दही ढूंढ रहे हैं घर पे दही बनाने के लिए क्योंकि योगर्ट में बैक्टीरियल कल्चर्स नहीं होते हैं। चलो वॉलमार्ट का बैग लेके कुछ एक दो चीजें और रहती हैं वो भी वॉलमार्ट से लेनी पड़ेंगी। अब ऑल्दो मनीषा हैज अ प्रॉब्लम विद मी गोइंग टू डिफरेंट स्टोर्स बट इन कनाडा हर एक जगह में अलग अलग प्राइसेस होते हैं, अलग अलग क्वालिटी का सामान होता है। You have to be very careful from where you buy। और पैसे बचाने के लिए या क्वालिटी सामान लेने दोनों के लिए it's essential that you go to different places। इतना टाइम वेस्ट भी तो होता है। अरे तो एक दिन करना है भाई हमें तो, वैसे भी हम लोग दोबारा थोड़ी आएंगे यहाँ पे। चलो चलते हैं वॉलमार्ट सुपर स्टैंडर्ड। Did you guys know Walmart is #1 on the Fortune 500 list? The most biggest company with I think it has like 600,000 employees all over the world, big stuff। So guys we have found something here। देखो दोस्तों हमको क्या मिला, समोसे बरार वालों के वेजिटेरियन पोटैटो पी वाले। वाह 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 वाह। Yes babe। इतनी लंबी लाइन से दो काउंटर खोले। वॉलमार्ट डू बेटर। सामान ज़्यादा है तो सेल्फ चेकआउट भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, खुद से ही करना और मुश्किल हो जाएगा। खुद देखो सामान कितना हो रहा है तो लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है विच इज़ वेरी रेयर फॉर मी। मैं हमेशा सेल्फ चेकआउट ही करता हूँ। $1 बिलियन कॉर्पोरेशन है भाई, शर्म करो थोड़ी। एक दो एम्प्लॉय और लगा दोगे तो कुछ जाएगा नहीं तुम्हारा। सो गाइज़ अब हमने शॉपिंग कर ली है फाइनली और अब इसके बाद हम एंजॉय करेंगे अपना ही स्नैक। तो घर में जाके कुछ टेस्टी बनाएंगे। अभी तो बहुत बाकी है जर्नी भाई, 2 घंटे की जर्नी है। रास्ते में क्या जर्नी, 2 घंटे ऐसे निकल जाते पता नहीं चलता है। फ्यूल अप करने के लिए रुकना है, थोड़ा सा गाड़ी भी धोएंगे हल्की फुल्की, फिर पहुँचेंगे कहीं जाके। अभी 5:30 हो रहे हैं आई थिंक। 7:45 तक पहुँचेंगे, 7:50 तक। फिर बनाएंगे कुछ खाएंगे। बट एटलीस्ट अभी 1 महीने तक नहीं आएंगे, अब नेक्स्ट मंथ आएंगे डायरेक्ट। भाई अब नहीं आ पाएंगे भाई, इतनी दूर मेरे बस की तो ना ही है बाप। चलो फिर बाय बाय बोलना है इनको या अभी। और नेक्स्ट मंथ तो वहाँ जाएंगे सीधे हम विनिपेग। धूप कितनी है आज, इतनी ज्यादा धूप है मतलब चुभ रही है धूप, बाप रे। तो पब्लिक को बाय बाय बोलना है, पब्लिक को और रास्ता दिखाना है अभी। सनसेट तो हो गया है, अब क्या दिखाएं रास्ता, अगर कुछ मिलेगा तो तब दिखा देंगे कुछ। चलो दोस्तों बड़ा अच्छा लगा आपके साथ दिन गुजार के थ्रू दिस वीडियो। कुछ भी बोलता है। इट वाज फन इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड यू गाइस। ऐसे ही प्यार देते रहो, फॉलो शॉलो करते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। मिलते हैं अगले वीकेंड पे। इस वीकेंड के लिए बाय। या अगर कोई और वीडियो बनाए तो हम दिखाते हैं। वैसे हमारा लॉन्ग वीकेंड है, अगर हमारा प्लान बनता है कहीं जाने का। आज वैसे सैटरडे है, संडे मंडे लॉन्ग वीकेंड चल रहा है हमारा। हमारे जो वीडियोस हैं वो 2-2 हफ्ते के बाद डलती हैं तो 2 हफ्ते नहीं, एक हफ्ते में 1-2 हफ्ते के बाद डलती है हमारी वीडियो जनरली। तो हम लोग थोड़ा लेट चल रहे हैं वीडियोस में, बट हाँ तो अगर कुछ और हम करते हैं तो हम दिखाते हैं। मुझे बोलता है ना तू एडिट कर करके, इसलिए यार रीजंस पब्लिक को बताने की जरूरत नहीं है, हमारे पर्सनल चीजें हैं। अच्छा कुछ भी तो तू एडिट कर लिया कर एक, तो हम वो डाल लेंगे 2 वीडियोस। एनीवे ओके बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट व्लॉग। तो दोस्तों ये है पावर व्यू पाइन फॉल्स मैनिटोबा में, बहुत सुंदर जगह है, कभी विजिट करना इफ यू कैन। कितना सुंदर सनसेट हो रहा है। वीडियो में अच्छा दिख नहीं रहा जैसे दिखना चाहिए इसको। तो भाई सनसेट हो रहा है और इतना सुंदर लग रहा है ये। और ये यहाँ पे रिवर है, चल पड़े हैं। एवरीथिंग इज ऑरेंज राइट नाउ। इस हफ्ते के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीकेंड पे। तब तक के लिए अलविदा, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड बाय बाय।